क्या हो अगर जिस रूम में आप हो उसकी ऑक्सीजन गायब हो जाए? क्या हो अचानक अगर सारे के सारे प्लांट्स गायब हो जाएं? क्या हो अगर पानी ही पानी हो और खाने के लिए कोई क्रॉप ही ना बचे? वेल, हम इसी रियलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में इस समय इतने क्राइसिस हो चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेज के हमारा आने वाली जनरेशन का जीवन बहुत बहुत मुश्किल है। अर्थ डे क्या है, क्यों होता है, कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या कंसर्न्स इस बार का अर्थ डे अपने साथ लेकर आया है। एंटार्क्टिका ने तो 38.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अपना टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर वहां रहता है, उससे इतना ज्यादा टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया इन 2022। और ये एक बहुत बड़ा अलार्म है पूरे वर्ल्ड के लिए, जो कि बता रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज्यादा रेट से बढ़ रही है। इसीलिए एक दिन ऐसा रखा जाए कि जहां पर दुनिया की जितनी पावर्स हैं, जितने लोग हैं जो कि अर्थ को सेव करना चाहते हैं, उसके रिसोर्सेज को सेव करना चाहते हैं, वो साथ में आए। और अब तो बहुत ज्यादा क्राई की नीड है कि लोगों को बुलाया जाए, सम्मिलित किया जाए और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज में, चाहे हमारा सॉयल हो, चाहे हमारी और चीजें हो, सबका डिप्लीशन बहुत बहुत तेजी से हो रहा है। और इस सब में आपका या मेरा क्या पार्ट है, बात कर रहा हूं आगे इस वीडियो में। अर्थ डे एक एनुअल इवेंट है, हर साल 22 अप्रैल को इसे सेलिब्रेट करते हैं और 1970 में गेलॉर्ड नेंसन ने इसे चालू किया था। अब 22 अप्रैल को ही ऐसा क्यों चुना गया कि अर्थ डे मनाया जाएगा? तो ये सबसे पहले 1970 में कॉन्सेप्ट दिया था यूएस सेनेटर गेलॉर्ड नेंसन ने। उस समय ऑयल का स्पिलेज हुआ था और उन्होंने इस चीज को आगे रखा कि क्लीन वाटर और क्लीन एयर सबके हक की चीज है। तो उस समय इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया और धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ा कैंपेन बनता गया, दुनिया से लोग जुड़ते चले गए। एंड टुडे अर्थ डे 2024 इज जस्ट कमिंग अप। बहुत सारी जगह पे अप्रैल को ही अर्थ मंथ बोला जाता है क्योंकि अर्थ डे मनाया जाता है। ये कोई एक स्पेसिफिक डे में हम कुछ चीजें अचीव नहीं कर पाते, इसलिए इसे एंटायर मंथ में मनाया जाता है, जिसमें पूरे वर्ल्ड में क्लीननेस ड्राइव्स होती हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं और जागरूक किया जाता है लोगों को कि अपने आसपास सफाई रखें, नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम यूज करें और कोशिश करें कि उन्हें बचाया जा सके आगे की जनरेशन्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो उसे यूज कर रहे हैं और उसका आगे की जनरेशन में ट्रांसफर होना भी बहुत जरूरी है। इस साल की अर्थ डे की जो थीम है वो है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। क्या आपको पता है कि हर साल कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है हमारे अर्थ के ऊपर? 380 मिलियन टन्स। अब आप अगर इसे कैलकुलेट करोगे ना मैथमेटिकली, आप जीरो भी नहीं गिन पाओगे। इतना हर साल जनरेट हो रहा है बाय ह्यूमंस हमारी वजह से। और कितना रिसाइकल हो पाता है? सिर्फ इसका 9%। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस समय मेजर। आपने देखा होगा अगर आप ऑफिसेज में हैं तो आपको कहा गया होगा कि अपनी खुद की बॉटल लेकर आइए, BYOD। इस समय सबसे बड़ा थ्रेट जो वर्ल्ड को है, जो अर्थ को है, वो प्लास्टिक से है। बिकॉज ये डिकम्पोज नहीं होता, ये सालों साल पड़ा रह सकता है। और अगर 380 मिलियन टन हर साल जनरेट हो रहा है और ऑलरेडी अर्थ पे इतना है, तो सोचिए ओशंस का हाल, बीचेस का क्या हाल हो रहा है, उसके ऊपर कितने ज्यादा इस समय बोझ है इस प्लास्टिक्स को डिकम्पोज करने का। बिकॉज अगर ये डिकम्पोज नहीं होगा तो ये जगह ले लेगा, जगह ले रहा है ओशंस में, ले रहा है मछलियां, हैबिटेट और जो हैबिटेशन है सबको इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये गलता नहीं है, जाता नहीं है, तो हैबिटेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये बायोडिग्रेडेबल जो साइकिल है उसको तोड़ देता है। वर्ल्ड के कंपेनर्स कोशिश कर रहे हैं कि 60% ये जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम रिसाइकल कर पाएं। इसलिए देर इज अ टू हाई नीड टुडे कि हम इस चीज को कंसीडर करें और प्लास्टिक्स को कम से कम यूज करें। इनफैक्ट द सिंगल यूज प्लास्टिक, जो कि इंडियन गवर्नमेंट भी अभी आपको फोकस करती हुई दिख रही थी कुछ टाइम पहले, उसने भी इस चीज की नीड करी थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बंद करा जाए। क्या हम और आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? क्या हम छोटे से सामान लेने के लिए भी नीचे अपना थैला लेकर जाते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल? सबसे पहली बात, हम अवेयरनेस फैलाएं। जैसे कि मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं आप सबके लिए, ये बताने के लिए कि हमारा अर्थ कितनी मुश्किल में है। और अगर अर्थ मुश्किल में है तो हम मुश्किल में हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और घर नहीं है। हम जिस घर को अपना घर, असली घर समझते हैं, वो सिर्फ हम टेनेंट हैं उस जगह के ऊपर। अर्थ को एक सुनामी, कुछ भी आकर उस चीज को तबाह कर सकता है, क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग में हैं, हम उस चीज को हेड कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा डिजास्टर होगा।
आपको सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अपने घर से चालू कीजिए, अपने छोटों को समझाइए, अपने बड़ों को भी समझाइए अगर उनके तरीके सही नहीं हैं तो, और जहाँ पर भी हो सकता है, जहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि लोग एनवायरमेंट के प्रति जागरूक नहीं है, चाहे वो पेड़ों को काटना हो, जलाना हो, आसपास की मिट्टी को गंदा करना हो, सॉइल को इरोड करना हो, आपका सिर्फ उनको अवेयर करना और रोकना बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। प्लास्टिक कितना ज़्यादा हार्मफुल है इस पर तो रिसर्च हो रही है, और इस पर एक स्टडी रिसर्च आनी अभी बाकी है कि कितने एक्सटेंड तक ये करता है। बट देन हमारी बॉडी में भी प्लास्टिक मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड बनाया जा सकता है, इतना प्लास्टिक होता है आपके पूरे एंटायर जीवन में, आप इतना कंज्यूम कर लेते हो, जैसे कि गलता नहीं है तो ये बॉडी में रहता है, विच कैन कॉज टू सीरियस प्रॉब्लम, कैंसर को भी जोड़ा जा रहा है इस चीज से। सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक को हटाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको माइक्रो प्लास्टिक भी बोला जाता है। देखिए, रिसाइकल रीयूज का कॉन्सेप्ट तो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, स्कूल से पढ़ाया जाता है, बट कितना हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, क्योंकि जब हम किसी ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं, हमें जो वो प्लास्टिक देता है वो बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, उसके भी एक अपने मेजर्स हैं। क्या आपको पता है कि क्लोथिंग और अपैरल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री जो कि इस प्लास्टिक के अंदर, इस पॉल्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। नियरली 70% ऑफ जो कपड़े बनाए जाते हैं वो क्रूड ऑयल से बनते हैं, डाई लगती है, माइक्रोफाइबर्स होते हैं, क्योंकि उनको सिंथेटिकली बनाया जा रहा है। जो आप कॉटन के कपड़े बाजार में लेने जाते हैं, जो आपको मात्र 300-400 रुपए में मिल जाते हैं, क्या आप उस कॉटन को उससे कंपेयर कर रहे हैं जो कि असली कॉटन उगती है? नहीं, वो सिंथेटिक कॉटन है। अब नॉन सिंथेटिक और सिंथेटिक में भी एक बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन हो सकती है, जिसको मैं अभी स्किप करूंगा। क्लोथिंग इंडस्ट्री सिंस 2000 डबल हो चुकी है, और ये डिमांड मुझे नहीं लगता रुकने वाली है, इसलिए सिंथेटिक चीजों को बनाना भी बढ़ता रहेगा, एंड यूज ऑफ प्लास्टिक्स इज अगेन मोर एंड मोर। तो जो भी वेस्ट होता है इस माइक्रोफाइबर्स का, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो भी वेस्ट होता है, दे आर जस्ट पोरिंग इनटू द सी, और अगर वो पानी में जा रहा है तो मैरीन लाइफ, एक्वेटिक लाइफ को कितना ज़्यादा हार्म कर रहा है। बहुत सारे देश जो मैरीन और एक्वेटिक लाइफ के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वर्ल्ड में ना ये बहुत बड़ा नंबर है। ये नहीं कि सिर्फ अगर हम या आप वेजिटेरियन या एगिटेरियन हैं तो वर्ल्ड में कोई नॉनवेज कंज्यूम नहीं करता, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक खाना या सी फूड खाना ही चलता है, जहां पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हो चुकी है। अर्थ डे सिर्फ एक दिन नहीं है, हर दिन है, हर रोज है, आप अर्थ डे हर रोज मना सकते हैं। गवर्नमेंट अपना रोल किस तरीके से निभा रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंट्रोडक्शन हो जिसमें जीरो एमिशंस हैं, कि आपने देखा होगा हमारे रोड्स के ऊपर बसेस ऑटोज भी आ चुके हैं, पर एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिससे कि गवर्नमेंट इस समय जूझ रही है, वो पता है क्या है? आपका टायर के ऊपर लगा टेस्ट। क्या आपको पता है 40% ऑफ माइक्रो प्लास्टिक इसी से ट्रांसफर हो रहा है, एक टायर से दूसरी जगह पे ये जाता है, हो सकता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जाता हो, तो जो टायर डस्ट है ना, इसकी वजह से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आज भी प्रेजेंट है, इसको एलिमिनेट होना है। सो गाइस, दिस इज इट, अर्थ डे इन्हीं चीजों के अराउंड है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो, कंसर्न्स हो, प्रॉब्लम्स हो, जो अर्थ के लिए हानिकारक है, अर्थ को जो प्रॉब्लम दे रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स के अराउंड है, और हमारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ये ज़रूर बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं तो अवेयरनेस ज़रूर फैलाएं, क्योंकि अवेयरनेस फैलाने से इंसान थोड़ा तो मजबूर ज़रूर होता है कि उस चीज़ को सही ढंग से किया जाए, और हाँ, पेड़ ज़रूर लगाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।